सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी और अंजू के इंडिया से पाकिस्तान जाने की कहानी से भला कौन नहीं परिचित होगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भागकर भारत के ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर की कहानी बेहद दिलचस्प है। अब ऐसी एक प्रेम कहानी नोएडा में एक बार फिर देखने को मिली। एक युवक के प्यार में एक बांग्लादेशी महिला अपने एक साल के बेटे के साथ भारत आ गई, लेकिन सोनिया की कहानी में एक ट्विस्ट है। सोनिया की कहानी सीमा और अंजू से बेहद अलग है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला सोनिया अख्तर अपने एक साल के बच्चे को लेकर नोएडा आ गई। सोनिया नोएडा के सौरभ कांत तिवारी नाम के एक युवक के लिए बांग्लादेश से नोएडा वीजा लेकर आई है। बताया जा रहा है कि महिला ने बांग्लादेश गए सौरभ कांत तिवारी से 3 साल पहले शादी की थी, जिसके बाद अब पति से मिलने के लिए अपने 1 साल के बच्चे के साथ वो भारत आई है। हालांकि यहाँ आने पर पता चला कि युवक ने पहले ही किसी और से भारत में शादी कर ली है। अब वो बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर को साथ नहीं रखना चाहता। उसका बयान सुनिए पहले। आप नहीं मान रही, आप नहीं मान रही, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। शादी का है? मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती हैं? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा शादी कर चाहता। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। हालांकि सोनिया अख्तर पति सौरभ के साथ रहना चाहती है। अब पूरा मामला नोएडा पुलिस तक पहुंच गया है। सोनिया अपने बच्चे के साथ सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नर दफ्तर भी पहुंची थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने बताया कि उसका नाम सोनिया अख्तर है, वो भारत अपने पति के लिए आई है और वो अपने पति के साथ भारत में ही रहना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।